ठीक है, इस बार की तरफ रात हो रही है और आप देख सकते हैं अभी मेरे घर के अंदर पुताई चल रही है। और मैं आपको घड़ी के अंदर टाइम भी दिखा दूंगा क्या टाइम हो रहा है। आप देख सकते हैं सामने घड़ी लग रही है और 10:45 के लमसम टाइम हो चुका है। और यहाँ पर अंकल जी वो भी पुताई कर रहे हैं। जो मेरा जो बेडरूम है उसका लुक थोड़ा चेंज होने वाला है और जो छोटा वाला कमरा है। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष मालवधाकड़ और आप देख रहे हैं सिंगर मनीष मालवधाकड़ यूट्यूब चैनल। जैसा कि टाइटल में आपने देखा कि अगर आप लोग अभी अपने मकान को कलर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी गलतियाँ ऐसी होती है जो हम हमारे मकान की पुताई कराते वक्त करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमको उन किन बातों का ध्यान रखना है जिसकी वजह से हम हमारे मकान की पुताई सबसे बेस्ट करा सकते हैं और कौन से प्रोडक्ट हमको यूज़ करने चाहिए। दोस्तों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो में जो आप मकान देख पा रहे हैं ये मेरा ही मकान है और इसी की अभी पुताई चल रही है। ऐसे में यहाँ पर मैंने बहुत ही सोच समझ कर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सर्च करके मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मुझे कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। क्योंकि दोस्तों बाज़ार में हमारे को देखने को मिलते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट हमको अच्छे लगते हैं, लेकिन दोस्तों उनका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं होता है जितना हम सोचते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर दुकान वालों से, पेंटर्स से और YouTube वीडियोस वगैरह के माध्यम से जानकारी ली है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए सबसे बेस्ट है और वही हमको कराना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो पुताई का काम होता है वो लगभग 4-5 साल चलने वाला होता है। ऐसे में हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वो काम बिल्कुल भी ख़राब हो और ये ध्यान रखकर चलते हैं कि सबसे बेस्ट काम हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। मार्केट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको काफ़ी सारे लोग लेना पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एशियन पेंट्स की और नेरोलैक पेंट्स की। इन दोनों प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, परफॉर्मेंस और प्राइस आज हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखने में हमको यहाँ पर सारे कलर बेस्ट लगते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे मकान के हिसाब से मैंने यहाँ पर चूज़ किया है एक कलर, जो कि मैं आपको उसका यहाँ पर रिज़ल्ट भी बताऊँगा। प्रॉपर यहाँ पर पुताई होने के बाद जो शाइनिंग आ रही है वो भी मैं आपको बताऊँगा। नेरोलैक की अगर अपन बात करते हैं तो ये थोड़ा बजट में कम पड़ता है, इसकी प्राइस एशियन पेंट्स के मुकाबले थोड़ी कम होती है। लेकिन दोस्तों इसको करने से पहले हमको दीवार पर प्राइमर करना होता है, तब जाकर आपका कलर यहाँ पर शाइनिंग देता है। लेकिन दोस्तों एशियन पेंट्स में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। एशियन पेंट्स में यहाँ पर आप सिंपली पुट्टी के ऊपर इस कलर को कर सकते हैं और शाइनिंग पा सकते हैं। थोड़ा सा एशियन पेंट्स यहाँ पर हमको महंगा पड़ता है, लेकिन दोस्तों उसकी जो शाइनिंग होती है वो यहाँ पर बहुत ही शानदार होती है। और रही बात यहाँ पर नेरोलैक पेंट की, तो नेरोलैक पेंट में अगर आप कलर करते हैं तो उसके पहले आपको प्राइमर कराना पड़ता है और प्राइमर का पैसा अलग से लगता है, तो कुल मिलाकर बात वही पड़ जाती है। ऐसे में यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, अगर आपको अच्छे कलर में जाना है तो आपको सिंपली यहाँ पर शाइनिंग के अकॉर्डिंग एशियन पेंट्स में जाना है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं दिखाऊंगा मेरे सारे प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पर सारे एशियन पेंट्स के खरीदे हैं। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो लुक आने वाला है उसका भी मैं यहाँ पर रिजल्ट आपको बताऊंगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप अपने घर में पुताई कराने की सोच रहे हैं तो जाइए मार्केट में और आपको सिंपली एशियन पेंट्स खरीद लेना है। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन आपकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। जितना आप इसको करोगे उतना अच्छा ये दिखेगा। 4-5 साल तक कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और फाइनली दोस्तों मैंने जो चूज़ करा है ये आप देख सकते हैं, कलर लाइट यहाँ पर जो दीवार का कलर है थोड़ा इंग्लिश कलर है, लाइट बादाम, और डार्क कलर में यहाँ पर हम गए हैं मेहरून की तरफ। तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो छत का लुक आ रहा है बॉर्डर का, कितना यहाँ पर शानदार बना हुआ है और अच्छा लग रहा है। अभी शायद ये सिंगल हाथ हुआ है, लेकिन अभी डबल हाथ होने के बाद इसकी क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी। इस दीवार पर भी यहाँ पर डबल हाथ होना है, उसके बाद इसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इस तरह की जानकारी आप लोगों को यहाँ पर मेरे चैनल पर मिलती रहती है। अगर फिर भी कोई डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दूँगा। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कलर कैसे लग रहे हैं। अभी सिंगल हाथ पुताई हुई है, डबल हाथ होएगी अभी, ये बाकी है पूरा। और ये सामने वाला वही रूम आ गया।
तो गाइस इतना जितना कचरा अभी यहाँ हो रहा है उतना शायद मकान बना होगा तब भी नहीं हो रहा होगा। सो कोई नहीं, एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद लोग आ जाएगा अच्छा वाला। तो अरे देवान जी अभी तक नहीं सोया है,